रेटा मुशा यानी पार्थ हमारे साथ है और यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा झटका जो यूपी से लगा है बीजेपी को, इसी ने जो मेजोरिटी मार्क है उससे बहुत पहले रोक लिया। अब अलग अलग क्षेत्र वाइज यहाँ पर देखेंगे समझेंगे रेटा मुशा से कि किस वजह से नुकसान हुआ। शुरुआत हम अवध के साथ करते हैं। देखिए पहले मैं चाहता हूँ ये मैप में दिखाऊँ, ये मैप एक स्टोरी बोल रहा है। हाँ। क्या स्टोरी है मैं समझाता हूँ। अब देखिए ये वाला जो पार्ट है इधर देखिए बीजेपी अच्छा कर रहा है, ये वाला पार्ट क्या है वेस्टर्न यूपी का पार्ट है, यहाँ पर यादव पॉपुलेशन नहीं है। अब ये नोट कीजिए, यादव पॉपुलेशन चालू होते हैं मैनपुरी वगैरह एरिया इधर से चालू हो रहा है और इधर मुस्लिम और दलित। देखिए यूपी में क्या हुआ है, यूपी का एक बेसिक स्ट्रक्चर बदल गया। स्ट्रक्चर क्या है, पहले यूपी थ्री कॉर्नर फाइट होता था, मतलब तीन लोग फाइट करता था, बीजेपी एसपी बीएसपी। बीएसपी को 19% वोट गिरता था 2014 पार्लियामेंट में, 2019 में। इस बार बीएसपी का वोट 9% गिरा, मतलब 10% जो वोट है वो शिफ्ट हो रहा है एसपी का साइड में, दलित वोट का। आप ये बोल रहे हैं कि पहले थ्री कॉर्नर था, टू कॉर्नर हो गया, इंडिया अलायंस वर्सेस बीजेपी, इंडिया अलायंस वर्सेस बीजेपी, तो 9% वोट है। इसीलिए देखिए सारे मार्जिन कम होते दिखाई दे रहा है, क्योंकि टू कॉर्नर फाइट में इतना मार्जिन सब जीत नहीं सकता है। और ये देखिए ये जो कलर देख रहे हैं, जहां पर भी दलित यादव मुस्लिम कॉम्बिनेशन है आप सारे सीट ऑलमोस्ट जीत रहे हो। ये देखिए ये पूरा पैच है, जहां पर नहीं है, जहां पर अर्बन सीट है ये सब, नोएडा गाजियाबाद और अर्बन सीट बीजेपी जीत पाया, इधर प्राइम मिनिस्टर का सीट है, गोरखपुर सीट है, इसलिए इस एरिया जीत पाया। हालांकि वेस्ट यूपी में भी नुकसान हुआ है, मैं चाहूंगा रीजन वाइज यहां पर देख ले। अगर शुरुआत करते अवध के साथ तो यहां पर एनडीए के खाते में 9, इंडिया अलायंस के पास 15 मेजर गेन यहां पर देखने को मिला। हाँ। मुद्दे क्या बने, सोशल इंजीनियरिंग क्या हुआ, क्या समीकरण बने? देखिए अवध में रायबरेली अमेठी आता है और यहां पर फैजाबाद सीट जहां पर राम मंदिर आता है, तो यहां पर देखिए एक कुर्मी यादव मुस्लिम और दलित का एक कॉम्बिनेशन मिलने से आप देखिए लीड में आ गया बहुत ज्यादा अवध में इंडिया अलायंस। ठीक है, इसके बाद बुंदेलखंड। देखिए बुंदेलखंड जनरली मायावती का गढ़ माना जाता था एक टाइम में, बिल्कुल ठीक है, उधर लोध राजपूत है, उधर कुर्मी है, दलित है, तो मायावती का वोट यहाँ भी शिफ्ट हुआ इधर अलायंस की तरफ, इधर भी शिफ्ट है, वो गेंद देख रहे हैं, इधर गेंद देख रहा है। ठीक है, पूर्वांचल। पूर्वांचल देखिए आजमगढ़, हाँ। आप देखिए ये बेटा, और पूर्वांचल में देखिए उधर ही नरेंद्र मोदी लड़ रहा है, बिल्कुल बड़ा दिलचस्प है, बनारस के आसपास की सारी सीटों पर बीजेपी की हार। हाँ देखिए, तो इसीलिए क्या पूर्वांचल में क्या हुआ, सेम कुर्मी, देखिए फार्मर, जो फार्मर, आप कुर्मी छोड़ दीजिए, फार्मर कम्युनिटी, दलित कम्युनिटी, ये एक वोट एक पूर्वांचल में मेजर शिफ्ट हुआ। और आजमगढ़ एक बहुत बड़ा है, और इस एरिया में अंसारी का डेथ का भी इंपैक्ट पड़ा ये पूर्वांचल, यानी जो कहा जा रहा था कि जो बीएसपी साइलेंट बनी हुई थी और उम्मीदवार उतारे गए थे, इसका घाटा इंडिया अलायंस को, ऐसा हुआ नहीं, घाटा उस तरफ हुआ, घाटा उस तरफ है, बीएसपी वोट शिफ्ट इस तरफ हुआ। ठीक है, रुहेलखंड का रुख कर रहे हैं। रुहेलखंड देखिए इधर मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है, उधर देखिए इंडिपेंडेंट एक मिला, ये बहुत इंटरेस्टिंग सीट है, नागिना चंद्रशेखर आजाद यहां से जीता। ठीक है, पश्चिमी यूपी। देखिए इधर ही पश्चिमी यूपी में क्या होता है, यादव पॉपुलेशन नहीं है, तो इधर ये कॉम्बिनेशन बन नहीं पाया, इसलिए पश्चिम यूपी में आप देखिए जितना भी एरिया है पश्चिम यूपी में एक अकेला एरिया है जहां पर। ठीक है, और इसी के बाद जो नुकसान है देखिए टैली एनडीए के 36 और इंडिया ब्लॉक की 43, एक बार फिर से निशांत मैं आपके पास आ रहा हूं। मैं सीधे चलूंगा, जेपी शुक्ला जी इस वक्त हमारे साथ हैं। सर आपने एक बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट बात रखी, मैं आपको एक अपना अनुभव बताता हूं और ये मेरा सवाल भी है। जब इलेक्शन की शुरुआत हो रही थी तो हमने दिल्ली के कैनॉट प्लेस में एक शो किया और मैंने उस वक्त बीजेपी के नेता थे, कांग्रेस के थे, आम आदमी पार्टी के थे, तो बीजेपी के नेता से जब मैंने बेरोजगारी पर सवाल पूछा, आप यकीन मानिए थोड़ी देर बाद पीछे से आवाज आई जय श्री राम की, मैं भी भगवान श्री राम का भक्त हूं। आप वो नारेबाजी इतने होने लग गई कि मेरा सवाल ही कहीं खो गया, मेरा सवाल गायब हो गया, उसके बाद मुझे आगे बढ़ना पड़ा। अब आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं, लेकिन वो दिल्ली था, यूपी में तस्वीर अलग थी। क्या बीजेपी ने पहला तो ये जो मैंने आपको बताया वो, और दूसरा क्या राम मंदिर पहले पीक कर गया, ये भी एक सवाल है। देखिए निशान जी, बात यह है कि जब आप कोई भी मुद्दा उठाते हैं तो उसकी क्या यौक्तिकता है, उसमें क्या वर्थ है, इसको पब्लिक आंकती है। अभी राम मंदिर का मुद्दा बराबर से चल रहा है, राम मंदिर के मुद्दे पर जब मुलायम सिंह ने गोली चलवाई तो भारतीय जनता पार्टी इतने बहुमत से जीत गई, उसके बाद जब बाबरी मस्जिद ढहा दी गई तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बर्खास्त हो गई और बहुत दिनों तक ऐसे ही होता रहा कि वो वापस नहीं आए। तो एक बात है कि जो इमोशनल मुद्दे हैं, जो हिंदुत्व का मुद्दा, वो कभी ख़त्म नहीं होगा, वो भारतीय जनता पार्टी का कोर मुद्दा है, वो चलता रहेगा। लेकिन उसी मुद्दे को अगर आप नहीं, लेकिन लेकिन ये सोचें कि मैं माफी चाहूंगा आपको रोकने के लिए, भुनाते रहेंगे, मैं माफी चाहूंगा, लेकिन देखिए मैंने आपसे ये सवाल क्यों पूछा,
क्योंकि मैं थोड़ा सा प्रीएम्प्ट करना चाह रहा हूं, अब अगर इनकी सरकार बनती है तो फिर भले ही मामला सब ज्यूडिस क्यों ना हो, ये मैंने कल भी सवाल पूछा था लेकिन मुझे जवाब नहीं मिला, अब अगर इनकी सरकार बनती है भले ही मामला सब ज्यूडिस क्यों ना हो, तो क्या काशी और मथुरा का मुद्दा भी उतना ही भुनाया जाएगा, या राम मंदिर के बाद जो कुछ भी हुआ है, मंदिर बन गया है उसके बाद जो कुछ भी हुआ है उससे कोई सीख ली गई है? इनको कुछ भुनाने की जरूरत नहीं है। बात यह है अब वो हिंदुत्व का मुद्दा आम पब्लिक में इतना आ चुका है कि वो काशी और मथुरा का जो प्रॉब्लम है उसको वो लोग खुद ही सॉल्व कर लेंगे। ऐसे लोग हैं जो कि राजनीति में जिनका कुछ कहना नहीं है, जैसे वो जैन हैं पिता पुत्र, इस प्रकार के लोग हैं। ये और अयोध्या के मुद्दे को भी भारतीय जनता पार्टी ने सॉल्व नहीं किया, कोर्ट ने सॉल्व किया, तो इनको तो केवल फैसिलिटेट करना है, इनको कुछ करना नहीं है। पर बात यह है कि अपने जो कोर मुद्दे को छोड़ना भी नहीं है, जो जो नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि हम आगे हजार सालों को सोच करके करेंगे, वो बातें हैं आज करें या ना करें, मगर जैसे कि ये यूनाइटेड सिविल कोर्ट का यूसीसी का जो मामला है, तो ये ऐसा है कि कभी भी इस मुद्दे ये मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नहीं जाएगा। अब बात यह है कि पार्लियामेंट में क्या स्थिति बनती है, ये कर पाएंगे, कब करेंगे या नहीं करेंगे, वो बात और है, लेकिन जो रीजनेबल चीज़ें हैं उन रीजनेबल चीज़ों को जरूरत नहीं है। उसके साथ साथ जो ग्राउंड रियलिटी है, जनता की और जो तकलीफें हैं, सरकार को उन तकलीफों को दूर करने के लिए जो करना चाहिए उस पर भी उसी के साथ साथ ध्यान। बड़ी बात आप कह रहे हैं।